राजधानी देहरादून की बात करेंगे, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारी बारिश के चलते टपकेश्वर मंदिर क्षेत्र में हुई नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने मौके पर जाकर मौके का मुआयना कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि टपकेश्वर हमारा आस्था का केंद्र है। उन्होंने अधिकारियों को स्थायी समाधान और दीर्घकालिक योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मंत्री ने बीती देर रात भारी बारिश से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के रिखोली गांव में सड़क मार्ग बहने से रिखोली गांव का राजधानी से संपर्क टूट गया है। मंत्री ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को पुलिया के निर्माण का शीघ्र एस्टीमेट बनाने और निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने भीतरली गांव में भी भारी बारिश से हुए नुकसान का मुआयना किया है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जिन लोगों के मकान के अतिरिक्त कृषि भूमि में नुकसान हुआ है, वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी हुई है, उनकी हर संभव मदद हमारी सरकार करेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उसका टेंडर रखा है तो मैंने कहा पहले प्रायोरिटी पर हम पुलिया बनाई जाए ताकि आवागमन खुल जाए, उसके बाद रोड का काम जो है अच्छे से पूरा किया जाए। और जो फसलों की क्षति भी है, भारत सरकार के मानक के अनुरूप हमारे कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उनको मुआवजा दिया जाएगा। और इस आपदा की घड़ी में पुष्कर सिंह धामी की सरकार इन आपदा के साथ में खड़ी है, उनकी जो हर संभव मदद होगी वो मदद होगी।